सो है व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी के नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के एक इवेंट के बारे में, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी। उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट या बोल सकते हो एक अपडेट आप लोग लिए मैं लेके आ गया हूँ। सर, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के इस लर्न क्लाउड स्किल चैलेंज में मैंने एक महीने पहले वीडियो बनाई थी, जिसमें 1300 लोगों ने वीडियो को देखा था। सर, जिन लोगों ने भी इस इवेंट को कंप्लीट करा था, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यार आप लोगों के माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन एग्जाम के फ्री वाउचर्स आपके मेल पे जो है वो सेंड कर दिए गए। अब इसको कैसे क्लेम करना है, इसे कब तक आप क्लेम कर सकते हो, या कब तक आप इसमें एग्जाम देकर सर्टिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्लेम कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो काफी ज्यादा मजेदार एंड नॉलेजेबल आप लोगों के लिए होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं, जिसके थ्रू आप इलिजिबल हो पाते हो काफी सही नॉलेज गुडीज एंड स्वैग्स को अर्न करने के। सो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यार आपको भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कुछ ऐसा ही मेल आया होगा, जिसके अंदर लिखा होगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू कैन नाउ क्लेम द फ्री माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम यू अर्न सक्सेसफुली कंप्लीटिंग योर माइक्रोसॉफ्ट लर्न क्लाउड स्किल चैलेंज। सो यार इस चैलेंज पे मैंने वीडियो बनाई थी एक महीना पहले। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आई होप आपने वाली वीडियो को देखा होगा, आपने वाला इवेंट कंप्लीट करा होगा। बात कर लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या है जो आपको फॉलो करने थ्रू आउट द इवेंट एंड कैसे क्लेम करना है, वो मैं आपको चलो अब समझा देता हूं। तो इसके लिए हमें जाना है माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जिनको भी ये मेल आया है, डायरेक्टली इस पे क्लिक कर आप जो इस लिंक पे आ सकते हो एंड यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है गिवन रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो है सबसे पहले अगेन आपको जो है थैंक यू बोला गया है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट लर्न क्लाउड चैलेंज में पार्टिसिपेट करा और कंप्लीट करा आपने जो है माइक्रोसॉफ्ट का चैलेंज, और अब आपके लिए टाइम है कि आप अपना माइक्रोसॉफ्ट का फ्री सर्टिफिकेशन एग्जाम का कूपन जो है वो क्लेम कर सकते हो। काफी सही डिटेल इन्फॉर्मेशन है। तो यार ये जो है रिडीम्पशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 30 जून से, यानी आप अभी भी क्लेम कर सकते हो। ऐसा नहीं अभी क्लेम नहीं कर सकते, कर सकते हो क्लेम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसे आप कब तक वैलिड रहेगा क्लेम करने के बाद, सो 27 सितंबर तक आप जो इसे क्लेम कर सकते हो, उसके बाद ये जो कूपन है वो एक्सपायर हो जाएगा एंड तब तक आपको जो है पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका वाउचर जो है वो एक्सपायर हो जाएगा एंड आप देन आपको पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं कि यार इन लोगों ने बोला है कि हम आपको काफी ज्यादा हाईली रिकमेंड करेंगे कि अगर आप सितंबर में एग्जाम देने वाले हो तो 8 सितंबर को अपनी एग्जाम को बुक कर लो, या बोल सकते हैं शेड्यूल कर लो, क्योंकि उसके बाद काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है एग्जाम को एकदम से बोल सकते हैं कि कंडक्ट करवाना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भैया आप अकेले हो, आपके लिए जो है ये सर्टिफिकेशन एग्जाम हो रहा है, नहीं, पूरी दुनिया में इनके एग्जाम्स चलते हैं। तो यार आप लोगों के लिए ऐसा नहीं कि स्पेशल एग्जामिनेशन हो रहा है। सो आपको भी ये बोल रहे हैं कि सितंबर 8 तक जो है आप अपना जो है रिडीम्पशन कंप्लीट करके एग्जाम दे दीजिएगा, उसके बाद जो है ऑफर आपका एक्सपायर हो जाएगा एंड देन आपको जो है बिल्कुल चीजें नहीं मिलेगी। आपको मैं बता देता हूँ कौन सी आप एग्जाम्स दे सकते हो आपके सर्टिफिकेशन वाउचर से एंड आप कितनी एग्जाम्स दे सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम क्लेमिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि आपको क्लेम कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक एलिजिबल एग्जाम को क्लेम करना है। मान लो मैं इस वाले एग्जाम को क्लेम कर रहा हूं एंड यहां पे जो है आपको इस वाले ऑप्शन को चूज करना है एंड इसकी जो कॉस्ट रहेगी वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी, बट आपके पास कूपन रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो ये हमारा जो काम है ये ऐसा आपको करना है सबसे पहले स्टेप में। देन आपको बोलेगा कि ना आपको जिस आईडी पे मेल आया है, मान लो मुझे इस पे आया है, तो मुझे जो है यहाँ पे वो चीज को एंटर कर देना है। देन उसके बाद जो है जैसे आप लॉग इन हो जाओगे, इधर आपके सर्टिफिकेशन प्रोफाइल में आपको क्या नेम देना है, क्या आप स्टूडेंट हो, क्या हो, वो सब फिल करना है। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके सर्टिफिकेशन में लिख के आएगी अगर आप पास करते हो तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें गलती मत करना, क्योंकि अगर इसमें नाम की भी गलती होगी तो सर्टिफिकेशन में वही नाम लिखा आएगा एंड देन वो सर्टिफिकेशन आपके लिए वैलिड नहीं रहेगा। सो इस चीज का ध्यान रखना। देन बात कर लेते सर्टिफिकेशन प्रोफाइल में आपको जो है ईमेल को देख के डालना है, ईमेल भी वही वाला यूज करना जिस पर आपको मेल आया है, ठीक है। देन आपको कौन सी लैंग्वेज में देना है वो आप इधर से चूज कर लेना, देन इन तीनों पे ही चेक में टिक कर देना है एंड देन सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। एग्जाम डिस्काउंट पेज जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, आप जैसे आप डिस्काउंट पेज पे आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि भाई आप अपना ईमेल डाल दीजिए एंड ईमेल डालने के बाद आप जो है चेक अब एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे, ठीक है। ईमेल कैसा डालना है, यही वाला ईमेल जिस पे आपको मेल आया है, ठीक है। सो यहाँ पे वो ईमेल डालना, चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे आप अगर एलिजिबल होगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो है आपका कूपन रिसीव हो जाएगा। बाकी अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा ईमेल एड्रेस आपने जो है फाइल करा है एंड आपको अगर ईमेल में इशू आ रहा है तो काइंडली आप जो है इस वाले पेज पे जाकर अपना कॉन्टेक्ट ईमेल फॉर नोटिफिकेशन को जो है चेकआउट कर सकते हैं। उन लोगों ने स्पेशली लिंक दे के रखी हुई है,
ठीक है, देन बेसिक बेसिक सी डिटेल्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिख जाएगा, जैसे आपको पासकोड मिल जाएगा आपको जो है आपका बोल सकते हैं डिस्काउंट कूपन भी रिसीव हो जाएगा, एंड ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी ऐसी कुछ हो जाएगी, एंड एग्री पे क्लिक करके आप जो है एलिजिबल हो जाओगे क्लेम पे क्लिक करके। ठीक है, ऐसी बेसिक से स्टेप है, ज़्यादा टफ नहीं है, आपको एक भी डॉलर पे नहीं करना है, यानी आप देख सकते हो कि आपने जो है हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स के जो कोर्सेज है वो बिल्कुल फ्री में दे रहे हो, आप फ्री में ले रहे हो आप हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स की एग्जाम्स। सो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एंड देन आप जो है एलिजिबल हो जाओगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप कब तक क्लेम करना चाहते हो अपने सर्टिफिकेशंस को। अगर आपको कोई भी इशू आता है शेड्यूलिंग एग्जाम्स में तो आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन सपोर्ट्स पे जाकर जो है मॉडरेटर से बात कर सकते हो एंड उनसे जो है अपना इशू रिजॉल्व कर सकते हो। स्टिल कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में मुझे पिन कर देना। बात करते हैं आप कितनी एग्जाम्स दे सकते हो एंड कौन कौन से कोर्सेज में एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे जो है कोर्सेज लिस्टेड है। अगर आप अज्योर में जो है देना चाहते हो एग्जाम्स तो आपको ये सारी एग्जाम्स देखने को मिल रही है, इसमें से आप कोई भी एक एग्जाम्स को चूज कर एग्जाम दे सकते हो। बात करते हैं डेवऑप्स में अगर आप लेना चाहते हो तो इसमें एक ही आपको कोर्स देखने को मिल रहा है, याली एग्जाम्स आप दे सकते हो। एंड प्लेटफॉर्म पावर प्लेटफॉर्म की बात करें तो आप ये वाली एग्जाम्स को जो है दे सकते हो। तो इन सारे में से कोई भी एक एग्जाम आप जो है अपने सर्टिफिकेशन से दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन एक चीज का ध्यान रखना कि आपको कितना आता है वैसे एग्जाम को चूज करना। ऐसे मत करना कि मेरे को एडवांस वाला सर्टिफिकेशन करना है जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, ऐसा कोई सेंस नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप फेल हो गए तो फिर मतलब ही नहीं है कि आपने हाई एग्जाम दी है या नहीं दी, क्योंकि आपको सर्टिफिकेशन ही नहीं मिलेगा अगर आपने एग्जाम पास नहीं करी है। सो ये चीजों का आपको काफी अच्छे से ध्यान रखना है एंड एग्जाम्स को काफी ज्यादा बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबली चूज करना, क्योंकि आपको ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा आगे भी। बात कर लेते हैं FAQ सेक्शन में एग्जाम्स के बारे में। सो क्या मैं एग्जाम फ्री में शेड्यूल कर सकता हूँ? तो जैसे ही आपको कूपन मिलेगा आप जो है अपने एग्जाम को फ्री में शेड्यूल कर सकते हो। सर्टिफिकेट एग्जाम कैसे एलिजिबल हो, तो एलिजिबल एग्जाम सेक्शन में आके आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने अभी ऊपर प्रोसेस बताई थी कि एलिजिबिलिटी होगी आपको मेल आएगा ये सब। देन बात कर लेते हैं कि मैंने जो है मैग्नाइट में रजिस्टर करा है, बट आप जो है माइक्रोसॉफ्ट के लर्न क्लाउड स्किल चैलेंज में रजिस्टर करना भूल गए तो फिर आपको जो है मेल नहीं आएगा एंड आप एलिजिबल नहीं होगे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट्स है, जिनको भी मेल आया है वो एलिजिबल है, एक चीज का ध्यान रखना। बात कर लेते हैं सर, इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है शेड्यूलिंग एग्जाम्स के अंदर कि क्या मुझे 27 सितंबर से पहले पहले एग्जाम को कंडक्ट करना चाहिए या एग्जाम ले लेनी चाहिए। तो इनका कहना है लास्ट डेट आपका अगर सितंबर में एग्जाम देनी तो 8 सितंबर है, सो उसके टाइम पे भी आप शेड्यूल कर सकते हो एंड एग्जाम को दे सकते हो, उसके बाद जो है आपका कूपन एक्सपायर हो जाएगा। और ये हाईली रिकमेंड कर रहे कि 8 सितंबर लास्ट मान के चलिए कि आप अपने कूपन को क्लेम कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर मुझे कोई ट्रबल आ रहा है शेड्यूलिंग में माई एग्जाम्स तो क्या मेरे को कहाँ से सपोर्ट मिलेगा, तो जैसे मतलब माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन सपोर्ट्स में जाके जो है आप सपोर्ट्स ले सकते हो। देन बात कर लेते हैं कि यार मैं कैसे शेड्यूल कर सकता हूँ अपनी ऑनलाइन एग्जाम इन पर्सन एग्जाम, या तो आप जाके देना चाहते हो एग्जाम सो आप जो है इन पर्सन जाके भी दे सकते हो, या तो आप अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी दे सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना है, ये कोई नॉर्मल एग्जाम्स नहीं होती, अगर इसमें आप चीटिंग करते हुए पाएगा तो फिर आप परमानेंटली जो है ब्लॉक कर दिए जाओगे एंड आप आगे फ्यूचर में इनका भी इनके एग्जाम्स नहीं दे पाओगे। बात कर लेते हैं कैंसिलेशन रीशेड्यूल पॉलिसी जो है वो आप यहाँ से देख लेना, अगर आप अपनी एग्जाम्स को रीशेड्यूल भी कर सकते हो। इनकी रीशेड्यूल पॉलिसी है कि अगर आप उस दिन एग्जाम नहीं दे पा रहे हो तो आप रीशेड्यूल कर सकते हो, बट ऐसा नहीं आप बार बार रीशेड्यूल करो। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि आर देयर एनी फीस व्हेन आई रीशेड्यूल और कैंसिल माई एग्जाम, तो आपको जो है कोई फीस पे नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री में आप जो है एग्जाम को जो है आप रीशेड्यूल करवा सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना, रीशेड्यूल की भी कुछ कंडीशंस रहती है तो इसको चेकआउट जरूर कर लेना। और इधर लिखा है मैंने एग्जाम तो शेड्यूल कर ली बट मैं जो है रीशेड्यूल नहीं कर पाया या कैंसिल नहीं कर पाया उस एग्जाम को एंड वो मिस हो गई मुझसे, तो क्या मैं रीशेड्यूल कर सकता हूँ उस एग्जाम को? सो देन कैंसिलेशन एंड रीशेड्यूल पॉलिसी में आपको इनके भी रूल्स जो है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। देन रीटेक पॉलिसी भी आपको इधर देखने को मिल रही है एंड आपको जो है सिर्फ एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, एक ही बार आपको एग्जाम देने को मिलेगा। अगर आप फेल होते हो तो फिर वापस से एग्जाम जो है नहीं दे सकते। बाकी बेसिक से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आप यहां से देख सकते हो, मैंने आपको बाकी तो ऑलमोस्ट सारी ही टर्म्स एंड कंडीशंस बता दिए। एक चीज का ध्यान रखना कि सितंबर से पहले पहले यानी सितंबर 8 के आसपास जो है अपना कूपन क्लेम करके काम खत्म कर लेना। ठीक है, बाकी और कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पूरी प्रोसेस मैंने आपको डिटेल में समझा दिए। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।